हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथ्स मिंट बाय कमलेश। अभी मैं सॉल्व करूंगा क्लास 9 का मैथ्स एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन 4 एनसीईआरटी बुक से। चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्वेश्चन में दिया है ए कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। इसमें दो पार्ट में क्वेश्चन है। एक कॉनिकल टेंट है जिसका हाइट है 10 मीटर और उसका बेस का रेडियस है 24 मीटर। तो हमको फाइंड करना है स्लाइंट हाइट ऑफ द टेंट एंड कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज 70 रुपीज। और इसमें कितना कैनवास लगेगा और उसका कॉस्ट क्या होगा अगर 1 मीटर कैनवास का कॉस्ट 70 रुपीज है। तो इसमें हम देखते हैं, लिख देंगे ए बी सी जो है, ए बी सी एक कॉनिकल टेंट है। तो लेट ए बी सी इज अ कॉनिकल टेंट इन विच गिवन, जिसमें हमको दिया गया है क्या, ए ओ दैट इज हाइट इज इक्वल टू 10 मीटर, बेस ओ सी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बेस ये आर है, ये है 24 मीटर। तो टू फाइंड ए सी विच इज एल मीन्स स्लैंट हाइट ये हमको फाइंड करना है। तो हम देखते हैं ए ओ सी एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ जिसमें ए ओ क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, ओ सी क्या हो गया बेस हो गया, और ए सी क्या हो गया हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, तो ए सी पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एज पर पाइथागोरस थ्योरम एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ठीक है, तो एल स्क्वायर हो गया पी स्क्वायर, एच स्क्वायर यहाँ हो गया पी प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया एल स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना है, एच स्क्वायर है 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। एल स्क्वायर हो गया 100 प्लस 576 होता है 24 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा L इज इक्वल टू अंडर रूट 100 and 576 हो जाएगा 676। तो L इज इक्वल टू हो गया 676 होता है किसका, 26 का स्क्वायर। तो इतना मीटर हो गया। ठीक है, तो स्लैंट हाइट इज इक्वल टू 26 मीटर आंसर हो गया पहले का, फर्स्ट पार्ट का ये आंसर है। अब सेकेंड पार्ट का ये आंसर है जो इसमें कैनवास कितना लगेगा। तो लिखेंगे कैनवास कितना लगेगा, जो इसका ये कर्व सरफेस एरिया होगा वही लगता है, नीचे तो कोई कैनवास होता नहीं है। कैनवास रिक्वायर्ड इज इक्वल टू सी एस ए ऑफ द कोन। तो सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, तो पाई आर एल कितना हो जाएगा, 22/7, आर है 24, एल है अभी निकाल चुके हैं 26, अब है सिंस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज इक्वल टू रुपीज 70, सो कॉस्ट ऑफ टोटल कैनवास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो इसका पाई आर एल है, जो इसका कर्व सरफेस एरिया है उसको 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 70, ये 7 कट जाएगा 70 से, ये हो जाएगा 10। और 22 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 42 इंटू 2 48, 4 बचा, फिर 48 और 4 52। ठीक है, और इसको करेंगे 40 से
24 से 10 को तो 200, ये 26 को करेंगे 10 से तो 26 पर 0 डाल देंगे। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है ₹13,7280, मीन्स 1,37,280 रुपीज़। यही इसका आंसर हुआ। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को शेयर करें। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं इसका जवाब दूंगा। थैंक।